इसने 1,00,000 रुपए इस YouTube Shorts के मेथड से कमाया। इसने 3.5 लाख रुपीज इस YouTube Shorts के मेथड से कमाया। दोस्तों YouTube Shorts का दिन नहीं जमाना आएगा, क्योंकि आपने कभी देखा है YouTube को इस नेक्स्ट लेवल प्रमोशन करते हुए YouTube एड्स के थ्रू, यस YouTube खुद अपने प्लेटफॉर्म पे पेड एड्स के जरिए YouTube Shorts का प्रमोशन कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने भी देखा होगा अपने मोबाइल में वीडियोस में कि YouTube खुद YouTube Shorts का प्रमोशन कर रहा है, वो भी एड्स के थ्रू। तो आप सोचो कि किस लेवल पे शॉर्ट्स को ले जाएगा। अभी तो ये सिर्फ बीटा वर्जन में। Let's go. So, आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप फॉलो करना ये है कि सबसे पहले आपको ये लिंक जो है इसको कॉपी कर लेनी है, राइट, जस्ट कॉपी दिस लिंक एंड करना ये है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, इसका नाम आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इसको डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करने के बाद सीधा यहाँ आके अपलोड कर देना है। जस्ट आपको यही 3 चीज करनी है। दोस्तों ये सिंपल 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है एंड ट्रस्ट मी, आज की अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो A to Z, गाइस A to Z बताऊंगा, आप आराम से 1,00,000 रुपए महीने के, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट 90 डेज अगर शॉर्ट्स पे काम करते हो ना, आप 1,00,000 रुपए नहीं, आप 10,00,000 रुपीज भी क्रॉस कर सकते हो, राइट। क्योंकि शॉर्ट यार एक ऐसी चीज बन गई है जो टिकटॉक के जैसे रीच दे रही है। अगर आपका कंटेंट में थोड़ी सी क्वालिटी है, थोड़ा सा वैल्यू है, तो वो आपको आसमान तक लेके जाएगी। ट्रस्ट मी, इस लेवल की लोग अर्निंग कर रहे हैं, राइट। मैं आपको अर्निंग्स भी दिखाऊंगा, बहुत सारे अर्निंग्स दिखाऊंगा, बट आपको इस वीडियो को अभी एक लाइक कर देना है एंड नीचे लिखना है सर कीप इट अप, मुझे थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से आप कमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैं लंबी वीडियोस और ऐसी वीडियोस नहीं ला रहा हूं जो आपको भी ढेर सारा वैल्यू दे, राइट। अब देखो यूट्यूब पे कुछ मिलता नहीं है, यही मिलता है आपका प्यार, तो इसलिए वीडियो बनती है, अदरवाइज वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे, राइट। तो कर दो भाई कमेंट और कर दो लाइक। अब इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत सारी वैल्यू देने वाला हूं, A to Z, 0 to 1 lakh rupees आराम से आप जा पाओगे YouTube Shorts पे, अगर आप इस पूरे कोर्स को, मतलब ये जो आप देख रहे हो फ्री की कोर्स, ये पूरा अगर सही से समझते हो, फॉलो करते हो, तो मैं आपको बहुत सारा नॉलेज दूंगा और पूरा तरीका बताऊंगा कि YouTube Shorts पे आपको कैसे काम करना है, राइट, पूरा तरीका। तो देखो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट चीज से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट, यहां पर अब आ जाओ स्क्रीन पे, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या सेल करना चाहते हो, ठीक है, नीश जिसको बोलते हैं, राइट। यूट्यूब से कमाते कैसे हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर एंड कट टू कट कर देना चाहता हूं कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे कमाने के 5-6 तरीके हैं, राइट। इसके पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ आई बटन में या तो ये सामने जो दिख रहा है ये, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, राइट, प्रीवियस 2 वीडियो के पहले या 1 वीडियो के पहले मैंने बनाई है, जिसमें मैंने आपको 5 तरीके ऑलमोस्ट बताए हैं यूट्यूब शॉर्ट्स से अर्निंग करने, राइट। लेकिन उसमें एक सबसे सुपर तरीका है जिसको बोलते हैं सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू चीजों को सेल करके पैसा अर्न करोगे अगर आप, तभी इसमें आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाओगे, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीश, ठीक, आप क्या सेल करना चाहते हो। देखो मेरा जो फेवरेट है, सबसे फेवरेट है, वो है मेक मनी ऑनलाइन, कि मेक मनी ऑनलाइन में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर्स बेस्ट होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे काम करते हैं, किन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हो, मेरा नीश, ठीक है। हेल्थ भी है मेरा, ठीक है, अभी मैं एक प्रो लेवल का खिलाड़ी बनते जा रहा हूँ, पूरा प्रो लेवल का हुआ नहीं, राइट, मैं अभी सीख रहा हूँ जैसे आप सीख रहे हो, तो मैं भी अभी खेल रहा हूँ, तो लेकिन अभी जो है मेरा एक ऐसा स्टेज है जहां मैं 2-3-4 नीश एक साथ के प्ले कर सकता हूँ, मतलब 2-3 तरह के प्रोडक्ट एक साथ बेच सकता हूँ। बट आप एक बिगनर हो, राइट, इस चीज को समझो, अगर एक बिगनर 3-4 चीजों में घुसेगा तो वो एक चीज को अभी तो सही से समझा नहीं है और 3-4 चीजों में घुस गया है, तो उसका माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। एंड कहा जाता है कि ऑलवेज अ कंफ्यूज माइंड से नो, राइट, तो आप उसमें उलझ जाओगे और आगे बढ़ोगे नहीं, और आपका माइंड कहेगा भाई ड्रॉप करते हैं आइडिया, बेहतरीन चीज नहीं, राइट। बट ट्रस्ट मी, करोड़ों की मशीन है शॉर्ट्स इस समय, शॉर्ट्स मैंने आपको बताया है, शॉर्ट्स खुद यूट्यूब प्रमोट कर रहा है, राइट। तो अब नीश आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट नीश है मार्केट में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो, ठीक है। सबसे पहला जो नीश है वो होता है भैया हमारे मेक मनी ऑनलाइन, जिसको वेल्थ बोलते हैं, ठीक है, फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट,
और मैं सबको सजेशन करता हूं कि वेल्थ और हेल्थ, ठीक है, ये दो नीश में आप घुस सकते हो, ठीक है, काफी अच्छा नीश है और दोनों के साथ बाद में चलना, बट पहले किसी एक को पकड़ना। और मैं हाईली सजेस्ट करूंगा जो लोग भी शॉर्ट्स के साथ काम करने जा रहे हैं, पहले वो हेल्थ को पकड़ के आगे चले। तीसरा जो है वो रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप मतलब रिश्ते, लोग एडवाइस करते हैं, ठीक, कपल्स को कि आपके आपका पति कैसा होना चाहिए, आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, राइट। तो ये तीन नीश होती है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ठीक। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे नीश होते हैं, राइट। वेल्थ के अंदर मेक मनी ऑनलाइन, शेयर्स, राइट, शेयर्स सुने आपने, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लोग सेल करते हैं एज एन एफिलिएट, तो उनको सेस बोलते हैं, SAAS, बहुत बार आपने सुना होगा सेस सेस सेस, तो इसका मतलब यही होता है, राइट। तो वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप, इसके अंदर बहुत सब निशेस, मतलब छोटे छोटे और निशेस होते हैं, जैसे मैंने वेल्थ के अंदर बताया, वैसे हेल्थ के अंदर डायबिटीज, फैट लॉस, ये सब निशेस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें और ऑफर्स होते हैं इसके अंदर, राइट। तो ये तीन पर्टिकुलर मेन बड़े नीश होते हैं। अब आप इसमें से जो आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है यार आई एम गुड टू सेल वेल्थ प्रोडक्ट्स, आई एम गुड टू सेल हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, वो पूरे टोटली आपकी मर्जी है। तो अब आप सबसे पहले कमेंट करके बता दो भाई, आप हेल्थ के नीश को ज्यादा प्रमोट करते हो, वेल्थ के नीश को या रिलेशनशिप को, कमेंट कर दो, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री, राइट। पूरा समझाऊंगा गाइस, अच्छे से समझना, ये देख लोगे ना आज तो कोई भी चैनल आपको देखने की जरूरत नहीं है ऑन शॉर्ट्स, राइट, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अभी लास्ट कम से कम 90 दिन से ज्यादा हो गया शॉर्ट्स पे ही हूं, शॉर्ट्स पे ही जी रहा हूं, राइट, तो मुझे पता है कैसे शॉर्ट्स काम करता है। तो नीश आपको समझ में आ गई, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझो, अब ये दूसरी चीज समझो, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं और आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, दोनों बता क्लियर कर देते हो, क्यों तो आपको भी पता हो क्यों देख रहे हो, कि आप पैसे कमाना चाहते हो शॉर्ट्स पे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका, इंपॉर्टेंट चीज इसकी वजह से देख रहा हूं, बट मैं बता दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी इसी चैनल पे, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम जब आए थे शुरू में, ठीक है, तो इंस्टाग्राम को लोग फोटो वाला फालतू प्लेटफॉर्म कहते थे, आज वो इन्फ्लुएंसर पैदा करता है पर डे पैदा करता है, लोग उस पर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, एक मनी हब हो गया हो, ठीक है, आर यू एग्री विथ मी, यस और नो, डाउट नीचे कमेंट लिख कर बताओ, आर यू एग्री विथ मी, यस और नो, ठीक है, नीचे कमेंट लिख कर बताओ। उसके बाद टिकटॉक आया, टिकटॉक पे लोगों ने कहा कि ये नचनिया है जो नाचते हैं, राइट, लेकिन उन्होंने मिलियंस ऑफ हार्ट्स पे राज किया, लोगों तक पहुंचे वो लोग जो वहां पर कॉन्टेंट क्रिएट करते थे, आज वही लोग अपने फॉलोअर्स को लेके इंस्टाग्राम पे आए हैं एंड दे आर बिग सेलिब्रिटीज, राइट। और बाद में हम एंटरप्रेन्योर्स, हम ऑनलाइन मनी मेकर, मार्केटर्स भी टिकटॉक पे जाने लगे थे, राइट, जाने लगे थे इंडिया से, हम भी वहां पर कंटेंट क्रिएट करने लगे थे, बट वो बैन हो गया, राइट। तो हम लोगों को थोड़ा दिन बाद समझ में आया कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना, हाई रीच दे रहा है और हाई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम वैसे ही सोचते हैं, लेकिन हम लोग देर कर दिए और इंडिया वाले बाहर हो गए। अब फॉरेनर्स जो है दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर। आई वांट टू शो यू समथिंग, मैं इस वीडियो में यहां पर डाल दूंगा, ठीक है, मेरा फैबियो दोस्त है, बाहर गया वो, ठीक है, ही इज मेकिंग लाइक $2,000-$3,000 डेली विथ टिकटॉक, राइट। ऑलराइट माय फ्रेंड, टू हिम इट हमेट request me to do this video, show you how I'm having results with shorts, okay, just to show you real quick, in one day, over $115, okay, one day, so this is working amazing, as you can see, give you an example here with shorts, getting 1,000, 2,000, almost 2,000 right there, okay, so getting a lot of views with shorts, 1,600, okay, 2,000, almost 7,000, and even if you 3,000, even if you have a small channel, if you're just starting from scratch with shorts, if you do it right, you can get loads of traffic and you can make a lot of money with this method. Okay, here's more. Yeah, it just worked 7 days ago, as you can see, right? Yeah, 6 days ago. Yeah, there you go. और वो सिर्फ $2,000-$3,000 कमा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मंथली $100,000 टिकटॉक के ट्रैफिक से कमा रहे हैं ओनली,
तो गाइस ये दोनों चीज मैंने अभी आपको क्यों बताई, क्योंकि ये जो है ना शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म, ये वही रूप ले रहा है, वही रूप ले रहा है गाइस। शॉर्ट्स विल चेंज एवरी थिंग, ट्रस्ट मी। अभी बेटा वर्जन में है, यूट्यूब इतना प्रमोट कर रहा है उसको, इतने एड्स लगा रहा है, इतने एड्स लगा रहा है कि अगर आप शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करो तो आपको सिर्फ शॉर्ट की एड दिखेगी जो यूट्यूब के थ्रू चलेगी। इवन अगर आप यूट्यूब के यहाँ वाले पेज पे जाओ, सॉरी इंस्टाग्राम वाले पेज पे जाओ, आई वॉन्ट टू शो यू यूट्यूब इंडिया, तो वो वहां पर क्या लगा के रखा है मैं आपको शो करता हूँ, राइट, यूट्यूब इंडिया, ठीक है, मैंने यूट्यूब इंडिया सर्च किया है और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो यूट्यूब इंडिया, राइट, यूट्यूब इंडिया पे भी इसने शॉर्ट का लोगो लगा के रखा है, शॉर्ट का, यू कैन सी। तो आप देखो प्रमोशन किस लेवल पे हो रहा है, इवन दे आर लाइक पुटिंग शॉर्ट्स वीडियोस देयर, यू कैन सी। तो ये लेवल पे प्रमोशन कर रहा है, तो सोचो इनका क्या थिंकिंग है, क्या विजन है, शॉर्ट को कहां ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल पे जो लोग हैं वो अर्ली अडॉप्टर हैं शॉर्ट्स के, अर्ली अडॉप्टर। अगर आप किसी चीज को पहले अडॉप्ट करते हो ना, तो आपको फर्स्ट आने का, पहले आओ पहले पाओ, आपने बहुत सुना होगा अपने गली मोहल्लों कुचों में और अपने फैमिलीज में, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले आओ पहले पाओ का फायदा होता है और सबको हुआ है, जो टिकटॉक पे परफॉर्म किए हैं, जो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म किए हैं और अभी जो लोग यूट्यूब पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप मैंने आपके दिमाग का विजन क्लियर कर दिया है कि आपको शॉर्ट पे क्यों काम करना है। शॉर्ट ने हाल ही में 100 मिलियन डॉलर, कोई आम बात नहीं है, 100 मिलियन डॉलर, राइट, कोई आम बात नहीं, कोई आम पैसे नहीं है। एक बार सर्च करके देखना 100 मिलियन डॉलर कितना होता है। इतना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में जो लोग क्रिएट कर रहे हैं शॉर्ट, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्लस इसने दुबई के लिए अलग शॉर्ट फंड निकाला है, राइट। तो आप सोचो कितना पैसा खर्चा कर रहा है, क्या वो पागल है? नहीं, वो सबको बीट करना चाहता है, वो टिकटॉक को बीट करना चाहता है, वो इंस्टाग्राम को बीट करना चाहता है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू बीट इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, एंड वो दिख रहा है विजन। तो आई होप मैंने गाइस आपका विजन क्लियर कर दिया है कि आपको क्यों इस पे काम करना चाहिए। अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा आने वाले समय में। मैं चाहता था कि आपका सबसे पहले विजन क्लियर हो जाए ताकि आप ध्यान लगा के यहां पर काम कर पाओ। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अब हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट चीज पे कि कैसे ये पूरा चीजें काम करती हैं और आपको आगे क्या करना है। नीश आपका क्लियर हो गया आई होप, राइट, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना भाई कि आपको कौन सा नीश पे काम करना है, स्टार्ट करना है। नीश के बाद एक दिमाग में आता है कि भाई ये जो एफिलिएट प्रोडक्ट है, मान लो मैंने नीश सिलेक्ट कर लिया हेल्थ, ठीक है, तो ये जो एफिलिएट प्रोडक्ट होते हैं ये कहां मिलेंगे भाई, कहां मिलेंगे ये एफिलिएट प्रोडक्ट, ठीक है। नीश जो मेरा है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लो हेल्थ, ठीक है, HELTH, ठीक है, मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाना, मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो हेल्थ है, एंड अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कहां से मिलेंगे मुझे ये प्रोडक्ट्स, राइट। तो देखो मैं कुछ अलग अलग तरीके की कंपनीज के नाम लूंगा, ठीक है, जो हो सकता है वियर्ड फॉर यू अगर आप पहली बार सुन रहे हो। तो क्लिकबैंक, ठीक है, सबसे पहला, जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लिकबैंक को ही एफिलिएट मार्केटिंग समझते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज आई हैं जो अपने आपको एज अ एफिलिएट कंपनी शो करती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता ही होगा। तो वो लोग लोगों को अपना जो बिजनेस है ना उसको सेल करना सिखाते हैं, राइट, बस सेल करना कि मेरे बिजनेस को सेल कर दो, मेरे बिजनेस को सेल कर दो, मेरे बिजनेस को सेल कर दो और इसको सेल करके पैसा कमाओ और आप एक एफिलिएट मार्केटर बन गए, ठीक है। तो वो जो एफिलिएट मार्केटर्स आ रहे हैं ना मार्केट में, उनका प्रॉब्लम ये कि वो एफिलिएट मार्केटिंग जानते ही नहीं, राइट। तो वो अब अपने आप को एफिलिएट मार्केटर समझ रहे हैं क्योंकि उनको ऊपर से बताया जा रहा है कि तुम एफिलिएट मार्केटर बन गए। तो अब वो यूट्यूब पे आ रहे हैं और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वहां पर उनको एक बहुत पॉपुलर साइट का नाम पता चल रहा है जिसका नाम है क्लिकबैंक, राइट। तो वो लोग क्या समझ रहे हैं कि क्लिकबैंक इज एफिलिएट मार्केटिंग, बट क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। क्लिकबैंक क्या है? क्लिकबैंक एक एफिलिएट नेटवर्क है, जस्ट अ नेटवर्क। एंड आई कैन गारंटी यू कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिकबैंक से उम्दा, अच्छे, बेहतरीन, ग्रेट ग्रेट, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप थोड़ा सर्च करने निकलोगे ना गूगल में, यूट्यूब में, और कोई भी अगर अच्छे एफिलिएट मार्केटर को जानते हो पूछोगे ना, तो आपको बहुत अलग अलग चीजें पता चलेंगी, अलग अलग नेटवर्क्स पता चलेंगी।
बाय द वे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लिक बैंक है ये एक एफिलिएट नेटवर्क है। इसके बाद JBU आप लिख सकते हो, अपने नोट में लिख लो। आई होप आप नोट बना रहे हो इस वीडियो का, क्योंकि अगर नोट नहीं बनाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दोगे। ठीक है, तो JBU हो गया और ये क्लिक बैंक हो गया, वॉरियर प्लस हो गया, ठीक है, और Amazon हो गया। Amazon सबसे बड़ा नेटवर्क है, राइट। आप इंडिया में और इंडिया के बाहर भी Amazon के प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन अर्न कर सकते हो, बस वहां पर थोड़ा सा कम कमीशन आपको मिलता है। Digistore24 हो गया, और इसके पास और भी अलग अलग तरह के नेटवर्क्स मौजूद हैं गाइस, ठीक है, वो आप धीरे धीरे ढूंढोगे तो आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक, अब ये नेटवर्क करते क्या है? अब ये नेटवर्क जो है गाइस, ध्यान से समझो, ये नेटवर्क है, मान लो ये एक एफिलिएट नेटवर्क है, राइट। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए से एफिलिएट और एन से नेटवर्क। मान लो ये एक एफिलिएट नेटवर्क है। अब ये एफिलिएट नेटवर्क के पास आप जाओगे तो यहाँ पर ना इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ के, वेल्थ के, रिलेशनशिप के। अब आपने चूज किया है हेल्थ, ठीक है, तो आप यहाँ से अपना हेल्थ का प्रोडक्ट चुन लोगे। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, चुन लोगे। एंड इसके बाद आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम लोग, डोंट वरी, प्रैक्टिकल। अब मैं चलता हूँ Digistore24 के साइट में, ठीक। सो गाइस, अब जो है हम लोग आगे हैं Digistore24। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये एक एफिलिएट नेटवर्क है, राइट। तो देखो एक चीज और, अभी हो सकता है कई लोगों को ये चीज नहीं समझ आई होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। भाई आपने ये तो बताया नहीं, मिस कर दिया। तो पहली चीज, ये पूरा चैनल एफिलिएट मार्केटिंग पे आधारित है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, आप जाके देखो, एंजॉय करो और नॉलेज लो, तो वहां से पता चल जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता भी दूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार एफिलिएट मार्केटिंग जैसा वर्ड सुन रहे हैं, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं Digistore24 की वेबसाइट में हूँ, बट उससे पहले जो मैंने काम बोला है वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। देखो ये आप हो, ठीक है, ये मान लो आप हो, ठीक, ये आप हो पतले से दुबले से, ठीक है, और ये जो है एफिलिएट नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये दिख रहा है एफिलिएट नेटवर्क, ये है एफिलिएट नेटवर्क और ये है मार्केट, ठीक है। अब एफिलिएट नेटवर्क पे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे वेंडर्स, राइट, जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को जाके एफिलिएट नेटवर्क पे लिस्ट कर देते हैं। तो जो ऑनर होता है ना उसको वेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेंडर। अब वो वेंडर अपना प्रोडक्ट वहां लिस्ट कर दिया, और आप क्या हो, आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, यू हैव अ नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, यू हैव अ नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है ऑनलाइन में, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आप भाई ये एफिलिएट नेटवर्क के पास जाओगे, ये वेंडर का प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट है, इसको यहाँ से चुनोगे, ठीक है। तो ये वही नेटवर्क है, ठीक है, एफिलिएट नेटवर्क, जिसका नाम Digistore24 है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे, ये वेंडर ने, एक आदमी ने, ये मेटिकोर करके एक प्रोडक्ट है, बहुत फेमस प्रोडक्ट है। मैं अभी इसको एक प्रोडक्ट है करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। मान लो एक प्रोडक्ट है नॉर्मल सा, और यहाँ पर एक लिंक है, ठीक है, बस आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और ये लिंक कॉपी हो गई, ठीक है, कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब देखो, आपने जब कॉपी किया एज एन एफिलिएट मार्केटर, तो अब आपको इसको सेल भी करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है मार्केट। अब आप मार्केट में जाओगे, मतलब कि सोशल मीडिया पे, लाइक आपका हो गया रील्स, टिकटॉक, मतलब इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शॉर्ट्स, ब्लॉग्स, पिंट्रेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर, वट एवर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। मैं अभी पेड और फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, एंड जितने भी वेज हैं इंटरनेट पे टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, राइट, गूगल पे, जहां पर भी आप प्रमोट करना चाहो, ये सारा मार्केट में ही आता है, ठीक है। तो अब जाके आप इसको प्रमोट करोगे, कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को बाय करेगा। मान लो हम लोगों ने मेटिकोर को सिलेक्ट किया था इस प्रोडक्ट को, कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो मान लो इसने बाय किया इस प्रोडक्ट को $50 में, ठीक है, $50 में, और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको कमीशन दे रहा है, मान के चलो 50%, ठीक है, 50% कमीशन दे रहा है। तो जैसे ये प्रोडक्ट सेल हुआ तो आपका $25 बना, राइट, क्योंकि $50 दे रहा है, तो आपका $25 यहाँ पर बन गया। तो आपकी अर्निंग कितनी हुई, $25, और इसको बोलते हैं एफिलिएट कमीशन, और आपको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटर, राइट। तो और ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, राइट।
अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर आए थे भाई, डिजिस्टो 24 में एक एफिलिएट नेटवर्क है राइट, और हम लोग बात कर रहे थे एफिलिएट नेटवर्क में जाने के बाद आपको क्या करना है। एफिलिएट नेटवर्क में जाने के बाद आपको यहां से इस प्रोडक्ट को पिक करना है, लिंक इसकी पिक कर लेनी है राइट। इसमें देखो बहुत टाइम लगता है, प्रोडक्ट को पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसे काम करता है। तो आप इसके पेज पे जा सकते हो ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इनके पेज पे जाओगे और समझोगे कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है भाई, इसके एडवांटेजेस क्या है और इस कौन सी ऑडियंस इसको खरीदेगी, ये प्रोडक्ट किसके लिए है राइट। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना जरूरी है राइट। बहुत सारे नए एफिलिएट मार्केटर्स आते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट उठाते हैं प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज में काम करता है, उनको खुद ही नहीं पता है एंड राइट दे आर लाइक रियली गाइज रियली, ये मैं बहुत सही चीज बोल रहा हूँ एंड वो उस चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको खुद ही नहीं पता ये चीजें काम कैसे करती हैं, कैसे होता है ठीक है। तो अब आपको पहले भाई आके देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी क्या वैल्यू है, कौन सी ऑडियंस के लिए है, कैसे काम करता है। और जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, लिख लो जो जो बोल रहा हूँ भाई, अगर मिस होगा तो फिर आप कंफ्यूज होते हो राइट, लिख लो। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको देखना है कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। यस, अब मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब मुझे इसको प्रमोट करना है और हम लोग प्रमोट करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब मैं आपको समझाता हूं कि पूरा गेम कैसे काम करेगा यूट्यूब शॉर्ट्स का। यहां तक समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट तक पहुंच गए हम लोग, प्रोडक्ट को पिक कर लिए हैं हम लोग, प्रोडक्ट अपना सिलेक्ट कर लिए भाई ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि ये पूरा गेम कैसे काम करेगा। तो मान लो ये हो आप ठीक है, और आपके पास है भाई एक प्रोडक्ट जो आपने एक स्टोर से उठा लिया है, एक नेटवर्क, नेटवर्क को ही स्टोर बोल रहा हूं ठीक है, ये प्रोडक्ट पी नाम दे देते हैं इसका। और अब आपको करना है इसको भाई, ये जो प्रोडक्ट है इसको ना भाई आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे प्रमोट करना है। बट क्या आप इसको ऐसे इजी प्रमोट कर दोगे? नहीं। अगर आप बोलोगे प्रोडक्ट को, मान लो मेरे पास ये एक आईफोन का आईफोन आया, मोबाइल आया, और मैं बोलूंगा कि ले भाई खरीद ले, ले भाई खरीद ले, मतलब आप इसको जानते नहीं हो, आईफोन क्या है क्या कुछ नहीं पता आपको, जस्ट ये एक प्रोडक्ट है अभी, मान लो आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं बोलूंगा ले भाई ले इसको ले और मेरे को 1.5 लाख रुपए दे। दोगे? कभी नहीं दोगे, जूता मार के भगा दोगे मेरे को ठीक है। तो अब आपको इसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फनल्स। क्या बोलते हैं? फनल्स। अब फनल क्या हुआ ठीक है, एक इजी लाइन में बताता हूं फनल क्या हुआ। एक प्रोसेस राइट, एक सीक्वेंस, एक स्टेप्स होते हैं जिनसे आपका कस्टमर गुजरता है, उस चीज को फनल कहते हैं राइट। स्टेप्स होते हैं राइट, जैसे सीढ़ियां रहते हैं, सीढ़ियां आपके घर में लेडर होगा, तो मान लो आपको ऊपर चढ़ना है तो आप नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 यहां तक पहुंचे। तो ये जो पूरे स्टेप्स है ना, दिस इज कॉल्ड फनल, सीक्वेंस फनल। अब मैं बताता हूं कैसे काम करता है। आपने ये प्रोडक्ट ले लिया, तो अब भाई आप इसका सबसे पहले क्या बनाओगे, एक लैंडिंग पेज बनाओगे। अब लैंडिंग पेज क्या होता है, अरे तौहीद सर आप हर चीज में नई चीज घुसेड़ दे रहे हो, नई नई चीज ला रहे हो भाई, यही सब है जो आपको जानना है। जो आपको YouTube पे वीडियोस मिल रही है ना, 3 स्टेप में पैसा बना लो शॉर्ट्स पे, 3 स्टेप में ये उखाड़ लो, नीश की वीडियोस बना के आपको चूतिया बना रहे हो लोग। देखो मैं ऐसा मार्केटर नहीं हूँ कि मैं आपको बाबू बाबू करके बुलाऊं और फिर बताऊं कि ऐसा हो रहा है वैसा, नहीं भैया हम सीधी बात करते हैं ठीक है, मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी चीज बताता हूँ ओके। तो वो वाला गेम नहीं अपने पास, तो वहां पर अगर वीडियोस में आप जाके देख रहे हो तो सिर्फ आप उनको व्यूज दे रहे हो, वो व्यूज के लिए बना रहे हैं। मैं व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं बहुत सारी वीडियोस पागल तरीके की बना सकता हूँ आपके लिए जिसमें आप लाखों व्यूज जाके दोगे, लेकिन मेरा क्या काम है, मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ आपको। लेकिन वही लोग समझते नहीं है, जहाँ वैल्यू है वहां आते नहीं है राइट, और जहाँ वैल्यू नहीं है वहां पर टाइम पास कर रहे हैं, वो नीश की वीडियोस बना रहे हैं, आपको 3 स्टेप दिखा रहे हैं, एडिट करना बता रहे हैं और गेम खत्म हो जा रहा है। नहीं भैया ये सारी चीजें समझो, ये सब मेन चीजें हैं, ये अगर नहीं समझ में आया, बेसिक क्लियर नहीं हो गया तो शॉर्ट पे वीडियोस बनाते रह जाओगे, इधर उधर की वीडियोस देखते रह जाओगे, फोकस शिफ्ट होते रहेगा इधर उधर और कुछ नहीं कमा पाओगे राइट। तो अब देखो लैंडिंग पेज क्या होता है, सबसे पहले समझो। देखो लैंडिंग पेज का ना मेन जो काम होता है वो होता है कि अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है आपको ठीक है, सबसे मेन काम ये होता है। क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। मेरे पास ये है ठीक है,
एयरड्रॉप, यहाँ कान में लगाते हैं इसको, ठीक है। तो अब मान लो इसके बारे में मेरे को लोगों को बताना है, तो अब मैं लिखूंगा भाई कि ये जो है इसको एप्पल ने बनाया, ये आईफोन के साथ काम में आता है गाना सुनने के, मतलब कि आपके आईफोन की आवाज आपके कानों तक पहुंचाता है, मतलब ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ सीरियस मत लेना, फिर बोलना कि पागल आदमी, नहीं भैया बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। तो आप पूरा एयरपॉड्स के बारे में लिखोगे कि भाई कानों तक पहुंचाता है आवाज, ऐसे काम करता है, ऐसे होता है, पूरे इसके फीचर्स एंड ऑल लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट आप चुनोगे, लाइक हम लोग अभी मेटिकोर को चुन रहे थे, तो हम लोग इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। अब लैंडिंग पेज के अंदर भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मैं बहुत बार लोगों को बता चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ, हुक, स्टोरी एंड ऑफर, ठीक है। तो हुक का मतलब होता है जो एक कैची लाइन जो लोग को, आपके कस्टमर को दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर करे, ठीक है। और स्टोरी मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, और ऑफर मतलब कि आप अपने कस्टमर को बोलोगे कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपको रिजल्ट लाके दे, जो आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर चुके कर सके, तो ये प्रोडक्ट है जो आपको अभी बाय करना है, तो आप एक बाय बटन दोगे, तो लोग वहां पर क्लिक करेंगे एंड दे विल बाय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, आपने ये लैंडिंग पे जरूर देखा होगा अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल हो गए या विजिट किए हो गए, राइट। मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स रिचेस का कोर्स है जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लोगों के एक से एक रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक से एक, राइट। 7 दिन में 10 दिन में बहुत फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं, बिकॉज मैंने वहां पर इतनी ज्यादा वैल्यू शेयर की, राइट। चलो वो सब बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है रिसेंट सम ग्रेट सक्सेस, राइट, अपने लैंडिंग पेज पे। तो मैं अभी जो बात कर रहा था हुक की बात कर रहा था, हुक, ठीक है, हुक की बात कर रहा था। तो ये क्या है? हुक है रिसेंट सम ग्रेट सक्सेस। देखो इसमें मार्केटिंग में ना बहुत सारी फिजिकोलॉजीज होती है, साइकोलॉजीज होती है, राइट, सॉरी फिजिकोलॉजीज बोलो, साइकोलॉजीज होती है, बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक। अब सक्सेस, सफलता, राइट, जब इसकी सफलता उसकी सफलता सुनने में मजा आता है ना, कि आपके घर का रमेश या आपके बाजू का रमेश, सुरेश, दिनेश, ये एग्जाम क्लियर कर लिया, उसने ये उखाड़ लिया, कार खरीद ली, ये सब क्या है? सक्सेस की कहानियां, ठीक है। तो रिसेंट सम ग्रेट सक्सेस, तो आप भाई देखोगे क्या सक्सेस है भाई, पढ़ते हैं। हाँ सर, बवाल हो गया, गुरु है अब गुरु, 2 दिन पहले स्टार्ट किया था, $37 की सेल आ गई, राइट। तो अब आप इसका पूरा इधर आके पढ़े होगे, राइट। तो ये जो है पूरी क्या स्टार्ट हो गई, ये स्टोरीज स्टार्ट हो गई। आपको फर्स्ट जो लाइन है रिसेंट सम ग्रेट सक्सेस से, ये हुक हो गया जो आपने ऊपर में देखा। अब मैंने आपको स्टोरी पढ़ने में ड्राइव कर दिया, मतलब ये नीचे आप पढ़ने में ड्राइव हो गए, राइट। अब आप नीचे जा रहे हो, पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो कि सर मुझे 4 दिन में सेल मिल गई, मुझे 2 दिन में $37 की सेल आई, राइट, किसी को $30 की सेल आई, किसी को 10K व्यूज आ गए, राइट। तो ऐसे करके अब आप पढ़ रहे हो नीचे और पढ़ रहे हो और नीचे पढ़ रहे हो। अब इसके बाद आप नीचे पढ़ते जा रहे हो और इसके बारे में जानते जा रहे हो कि ये क्या है, यूट्यूब शॉर्ट्स रीचेस कौन सा कोर्स है, लोगों को रिजल्ट आ रहा है, हाँ मुझे भी ये रिजल्ट चाहिए। एंड देन आप देख रहे हो ये जो ऐसे करके बाउंस करके बटन्स आ रहे हैं, बाउंस इन बाउंस ऑन हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये ऑफर के बटन्स है, ऑफर, राइट, जो मैंने आपको कहा यहाँ पर कि एक ऑफर होता है, ये ऑफर, ठीक है। तो ये जो है बटन, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑफर्स, राइट। देखो शुरू में ही जो एक पैराग्राफ हुआ ना, फर्स्ट लैंडिंग पेज का पैराग्राफ, वहां पर ही हुक, स्टोरी एंड ऑफर क्लियर हो चुका है। ये देखो रिसेंट सम ग्रेट सक्सेस, ये हो गया आपका हुक, ये जो पूरी चीजें लिखी हैं ये हो गई स्टोरी, बट ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, बिकॉज अभी आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चला कि प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा एंड ऑल, राइट। इसके पहले एक वीडियो मैंने लगाई हुई है, लेकिन अभी हम उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, अगर जो लोग मेरे कोर्स में विजिट किए होंगे तो मैं, अगर वो उस तरीके से सोच रहे हैं, तो उनको मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वीडियोज, राइट, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो लगाई हुई है, ठीक। वो अगर आप देख के इस पेज पे आए होंगे तो उस चीज को मत जोड़ो, सिर्फ इस चीज पे फोकस करो जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक। एंड देन ये बटन आपके पास आता है, दिस इज कॉल्ड ऑफर, राइट। बट इसके नीचे आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, मतलब क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, किस बारे में है, एंड ऑल द थिंग्स। एंड देन आप जाके लास्ट बटन पर क्लिक करोगे एंड इसको बाय करोगे, ठीक है। तो ये जो बटन आपके लिए होगा मेन ऑफर होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें काम करती हैं, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो ये ऐसा हुआ। तो
अब गाइस आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हुक स्टोरी एंड ऑफर क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट है और इसके बीच में एक गैप है, ठीक है, और फिर जाके ये लैंडिंग पेज आता है, ठीक है। अब ये गैप में क्या होता है सर, ठीक है, गैप में क्या होता है अब हम उसकी बात करेंगे। अब लैंडिंग पेज तक पहुंच गया, आपको लैंडिंग पेज बनाना आ गया, हुक स्टोरी ऑफर आपको सेट करना आ गया, प्रोडक्ट से लैंडिंग पेज पे आया, बट इसके बीच में क्या, इसके बीच में भी तो कोई प्रोसेस होता है ना। प्रोडक्ट से लैंडिंग पेज में आया है, अब इसके बीच में क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो आगे। तो दोस्तों देखो, आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, आपने लैंडिंग पेज भाई तैयार कर लिया, लेकिन इसके बीच में गैप है जो मैंने आपको नहीं बताया और अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो गैप क्या है, आपको ना प्रोडक्ट चुनने से पहले एक रिसर्च करना है, अब प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने से पहले भी एक रिसर्च करना है, रिव्यू मतलब उसका लैंडिंग पेज बनाने से। अब जब आपने किसी नेटवर्क से प्रोडक्ट उठाया है तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसके अलावा कोई प्रमोट नहीं कर रहा है? भाई आपसे बड़े बड़े प्लेयर उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मेटिकोर मैंने यहां पर कॉपी किया, मैं यहां से गया यहां और यहां पर मैंने लिख दिया मेटिकोर और सर्च कर दिया गूगल में। अब देखो सबसे पहला एड चल रहा है, गेट द ओरिजिनल मेटिकोर एट द लोएस्ट प्राइस ऑन द वेब, ठीक है। अब लोएस्ट प्राइस ओरिजिनल भी है और कम पैसों में मिल रहा है, तो क्या मैं इसको क्लिक करके नहीं देखूंगा? और एड भी लगा के रखा है इसने, देखूंगा भाई, क्लिक करूंगा, चेक करूंगा, समझ गया गेम। अब इसके बाद और भी दिख रहा है भाई, यहाँ पर इसने रिव्यू डाल के रखा है, यहाँ पर भी, और ये भी स्पॉन्सर्ड है दूसरा वाला। अब इसके बाद आपको बहुत सारा रिव्यूज दिख जाएगा, ब्लॉग्स दिख जाएगा, लैंडिंग पेजेस दिख जाएंगे जो यूज हो रहे हैं मेटिकोर को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है जो यहाँ पर फीलिंग कर रहा हूं मैं, जो इसके बीच में गैप है वो क्या है, रिसर्च। जब आप लैंडिंग पेज बनाए उसके लिए भी रिसर्च करें, इनके जो हेडलाइंस है आप इनके हेडलाइंस को कॉपी कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू ऑफ कॉपीराइटिंग, राइट। अब मान लो आप जब शॉर्ट क्रिएट करने जाओगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, गेट द ओरिजिनल मेटिकोर एट द लोएस्ट प्राइस ऑन द वेब, आप ये अपने शॉर्ट में यूज कर सकते हो, हेडलाइन बना के भी यूज कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है ना, लोग देख के क्लिक करते हैं यही सब। तो ये सारी चीजें आप करना जरूरी है, राइट। अब मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो मुझे को और आइडिया आएगा कि इसने कैसे अपना हुक लिखा है, स्टोरी लिखी है, रिव्यू दिया है, ऑफर दिया है, कैसे इसने सब किया है। तो ऐसे करके मैं 2-3 ब्लॉग चेक करूंगा, प्रोडक्ट चेक, देखो कितना अच्छा है इसका, इसने एक गेट द ओरिजिनल मेटिकोर, फिर उसके बाद इसने स्टोरी लिखी कि कैसा कैसा काम करता है, और उसके बाद सीधा इसने ऑफर दिया। ये एक लैंडिंग पेज है गाइस, ठीक है, ये एक डायरेक्ट लैंडिंग पेज है, ठीक। तो ये ऐसा होता है लैंडिंग पेज, यू कैन सी, ये बहुत सिंपल है, सटीक है, बिकॉज ये अपने कस्टमर्स को सीधा सेल कर रहा है, राइट। इसने यहाँ पर एड भी लगा के रखी है, मैं आपको दिखाया अभी, राइट, ये दिख रहा हूँ, ये एड है, ठीक है। तो एक बहुत ही सटीक लैंडिंग पेज और एक काफी अच्छा फोकस, वेल फोकस लैंडिंग पेज इसने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, आपको यहाँ पर उदाहरण भी मैंने दिखा दिया डायरेक्ट, ठीक। तो अब ये जो फील है, जो फीलिंग है, जो गैप था उसको मैंने फिल किया, ठीक, समझ गए। यहाँ पर भी आपको एक रिसर्च करना है, अरे गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फनल कैसे तैयार होता है, पूरा एक फनल कैसे काम करता है जो शॉर्ट्स पे काम करता है, ठीक है। शॉर्ट्स पे कौन सा फनल काम करता है वो मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे फनल का, ये आप समझ गए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने लैंडिंग पेज की तैयारी कर ली, कैसे आपको रिसर्च करना है, कैसे क्या करना है। ये जो अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ना सर्च करने वाला, ये आपको काफी हेल्प करेगी, जितने भी न्यूबीज हैं उनको एक कॉपी राइटिंग लाइन मिलेगा, उनको तरीका मिलेगा और अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे जिससे वो इजी शॉर्ट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर फनल की बात करते हैं हम लोग कि आप कौन सा फनल यूज करने वाले हो, कैसा फनल काम करता है और कैसे लोग जो बाहर के लोग हैं ना गाइस वो टिकटॉक और शॉर्ट से लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं, राइट। 100K 200K ईयरली जनरेट कर रहे हैं, राइट। 200K जानते हो कितना होता है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जनरेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, ठीक है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, फिर फंबल मार रहा हूँ यार मैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ $200K दे आर जनरेटिंग
राइट। तो अब फनल्स की बात करते हैं कि फनल्स कैसे काम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो ये शॉर्ट है, मान लो इसको एस बना देता हूँ, चलो एस एस लिख लेते हैं इसको, शॉर्ट्स। ठीक है, अब जैसा भी बना यार, मान लो शॉर्ट्स है। ठीक है, अब शॉर्ट्स से आप ट्रैफिक कहाँ भेजोगे, अपने आस्क पेज पे। आस्क पेज क्या होता है, आस्क पेज जानते हो क्या होता है? मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स का ना डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें मैंने इससे भी बेहद ज्यादा नॉलेज दी है शॉर्ट्स के बारे में। अभी जो आप देख रहे हो ना, ये तो बस ट्रेलर है, नॉलेज तो अभी अंदर शॉर्ट्स के कोर्स में। तो जब आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के कोर्स पे जाओगे ना, मतलब कि ये जो है इसके फ्रंट पेज पे, ठीक है, इसका फ्रंट पेज मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये है गाइस फ्रंट पेज, राइट। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है फ्री वीडियो एक्सपोज द सीक्रेट ऑफ शॉर्ट्स। यस, अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए शॉर्ट्स की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जाओ, आपको और भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा शॉर्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपना क्या करोगे, नेम फिल करते हो, ईमेल फिल करते हो और गेट इंस्टेंट एक्सेस पे क्लिक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं आस्क पेज। क्या बोलते हैं? आस्क पेज। ठीक, तो ये होता है आस्क पेज, ऐसा दिखता है आस्क पेज। ठीक, अब आस्क पेज आपने बना दिया, बाहर आया, क्लिक किया, और वो क्या होता है, वो ड्राइव होता है एक VSL पे। ठीक है, वीडियो सेल्स पेज पे। वीडियो सेल्स पेज काफी अच्छा काम करते हैं शॉर्ट्स में। ठीक है, बहुत सारे और भी अलग अलग तरह के पेजेस होते हैं, बस VSL काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, वीडियो सेल्स पेज। अब वीडियो सेल्स पेज मैंने बोला तो क्या, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया था मेटिकोर। ठीक है, मैं मेटिकोर को कॉपी कर लेता हूँ, एंड मेटिकोर को कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भैया पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आ गए और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करते हैं भैया, पेस्ट कर दिए भाई। तो ये देखो, ये जो वीडियो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड VSL। ठीक है, अब ये क्लिक करूंगा, यहाँ पर साउंड प्ले होगा, एक पूरी वीडियो प्ले होगी अबाउट मेटिकोर, एंड देन एक यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बटन आ जाएगा। ठीक है, जहां से हम मेटिकोर को बाय कर पाएंगे। ठीक, ये वीडियो देख रही है, जैसे क्लिक करूंगा साउंड आ जाएगा। तो ये जो होता है, इसको बोलते हैं VSL। ठीक है, वीडियो सेल्स पेज। तो आपका बंदा क्या होता है, वीडियो सेल्स पेज पे ड्राइव होता है, ज्यादा अच्छा रहता है, काम करता है। ठीक, अब उसको क्लिक करने के बाद वो सीधा परचेस करता है। ठीक है, वो क्या करता है, सीधा परचेस करता है। ये सिंपल लैंडिंग पेज यूज होता है इस समय हाल ही में टिकटॉक और शॉर्ट्स पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब एक और चीज क्लियर कर दूं, जो लैंडिंग पेज मैंने बताया ना, जो अभी यहां पर आप क्रिएट कर रहे थे, वो यही है VSL वाला। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट लिख कर भी कर सकते हो या तो वीडियो भी डाल के कर सकते हो। ठीक, तो देखो ये जो है शॉर्ट्स जो आपका फ्रंट में है, ये जो है ना, ये क्या काम कर रहा है, ये ट्रैफिक ड्राइव करने का काम कर रहा है। ठीक है, ट्रैफिक मतलब आपकी ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने आई है। जब हम मेटिकोर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मेटिकोर की जो ऑडियंस है वो कहां से आपको लेके आना है, शॉर्ट से। अब वो ऑडियंस आपके आस्क पेज पे आएगी, आपको ईमेल देके जाएगी। ठीक है, ईमेल देके जाएगी आपको, ये ईमेल मान लो ईमेल है। ठीक है, ईमेल ये इसने दिया आपके आस्क पेज में, ये जो ईमेल है ये आपके सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा, राइट, जिसको मेलिंग सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। ठीक है, मेलिंग सॉफ्टवेयर्स, MS लिख देता हूँ, मेलिंग सॉफ्टवेयर, MS धोनी नहीं, मेलिंग सॉफ्टवेयर्स, ओके सॉरी वो MD होता है, तो MS है ये, तो MS मतलब मेलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये आपका जो भी ये लोग डाटा देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर डाटा डालते हो ना, यहाँ नेम और ईमेल और गेट इंस्टेंट एक्सेस में, तो ये मेरे मेलिंग सॉफ्टवेयर में जाके सेव होता है। तो यहाँ पर भी जो भी डाटा देगा मेलिंग सॉफ्टवेयर में जाके सेव हो जाएगा, फिर वो बंदा डायरेक्ट VSL पे आएगा, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो परचेस करेगा और आप यहाँ से पैसा कमाओगे। ये पैसा सीधा आपके एफिलिएट नेटवर्क में चला जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा था। ठीक है, यहाँ ऊपर में, ठीक है, ये एफिलिएट नेटवर्क में चला जाएगा। अब एफिलिएट नेटवर्क में आपने अपनी आईडी बना के रखी है, जैसे DigiStore24 में। अब DigiStore24 में आपका कमीशन मिल जाएगा, जितना भी परसेंट कमीशन था, 50% कमीशन था, और हम लोगों ने माना था कि वो प्रोडक्ट $50 का है, तो 25% कमीशन आपका बनेगा, जो आपके सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो फनल है, ये 2 से 3 पेज का फनल, यही काम करता है शॉर्ट्स पे। समझ गए, सीधा आस्क पेज बनाना है, शॉर्ट्स पे वीडियोस डालनी है, और फिर वो जाके सीधा आपका जो बायर है बाय करेगा, कमीशन आपके कहाँ जाएगा आपके नेटवर्क के पास, फिर नेटवर्क आपको आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। बहुत इजी प्रोसेस है,
अब ये देखो, ये चीज आपने क्रिएट कर लिया, आपने अपना आस्क पेज बना लिया, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप इसको डेवलप कर सकते हो। आपने लैंडिंग पेज अपना उसमें सेट कर दिया, दो ही पेज का है, ठीक है, ये दो ही पेज का है, ओके, सेट कर दिया। और तीसरा आपका बाय बाय वाला पेज है, इसमें आप आपका बाय में पूरी चीजें रहती है, पे करता है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है बाय पेज, ठीक है, बनाने वनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा ये जो लैंडिंग पेज है ना, जो आपने क्रिएट किया हुआ है, आपने भी एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया हुआ है, अरे गटिंग माई पॉइंट ना, ये जो है आस्क पेज, ये आप ही का लैंडिंग पेज है। देन यहाँ से आप बंदे को यहाँ ड्राइव कर रहे हो किस पे, ऑफर पे, मेन जो ऑफर है, ठीक है, एक ये आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया। फिर यहाँ जो यहाँ पर आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया ना, फनल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आपके लिए, एक चीज ध्यान से आप समझ जाओ, समझा देता हूँ। ये जो आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया ना, इसको आस्क पेज बोलते हैं। लैंडिंग पेज भी तरह तरह के होते हैं, उसमें आस्क पेज भी एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो ये आस्क पेज से डायरेक्ट आपने ऑफर पे लोगों को भेजा। अब ये जो बाय करेगा ना, ये जो पेज है ना, ये परचेस पेज, ये आपको क्रिएट नहीं करना है, ये ऑलरेडी इनका है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है, ये सीधा कहां पर जाएगा, नेटवर्क के पास, और नेटवर्क से पैसा आपको आएगा। तो आपको कौन सा पेज क्रिएट करना है, ये वाला पेज, आस्क पेज, ठीक है, ये जो दिख रहा है आस्क पेज, ये आस्क पेज आपको क्रिएट करना है ओनली। और उसको इस आस्क पेज के साथ इस पेज को जो आपका ऑफर है उसको अटैच कर देना है। तो आपका बायर यहां पर आएगा आस्क पेज में, फिर ऑफर पेज में जाएगा, उसको पसंद आएगा तो बाय करेगा, अदरवाइज वो चला जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड फनल। अब यहां पर एक टर्म्स की बात मैंने की थी, मेलिंग सॉफ्टवेयर। अब मेलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, YouTube Shorts Riches का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत सारी वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे चेक कर लेना, वैल्यूएबल है और सिर्फ 1000 लोगों के लिए। कितने 1000 लोगों के लिए ऑनली, ठीक है, 1000 लोगों के लिए कुछ बोनस है, कुछ अच्छा बोनस चल रहा है, तो वो जाके आप चेक कर लेना, उसकी बात मैं ज्यादा ही करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। यहाँ मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ध्यान से समझो। अब शॉर्ट की मैंने बात की और एक मेलिंग चीज की, तो आपको आप कोर्स में समझना, बट यहाँ शॉर्ट्स की बात समझो। अब शॉर्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ शॉर्ट एस ले लेता हूं मैं। अब एस मतलब शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स को क्रिएट करने के लिए देखो आपको कुछ चीजों की जरूरत है। अगर मान लो आपका जो नीच है वो हेल्थ है, जो हम लोग शुरू से मान के आ रहे हैं वीडियो में हेल्थ। अब ये हेल्थ का जो नीच है गाइस, आपको क्या करना है, आपको ना सीधा यूट्यूब पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, और एक आपका टिकटॉक, अगर आप जाके वहां से वीडियोस निकाल पाओ तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि आप टिकटॉक से भी निकाल सकते हो, बट यस, अगर आप इंडिया में हो तो मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब यूट्यूब, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में भी ढूंढने का तरीका है वीडियो, और यूट्यूब पे भी ढूंढने का तरीका है वीडियो, राइट। अभी मैं youtube.com पे चलता हूं और हम लोग वीडियोस को ढूंढते हैं, ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे आ गया और मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो को ढूंढूंगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी फैट लॉस का एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूं फैट, ठीक है, लॉस, फैट लॉस, ठीक है, फैट लॉस वर्कआउट लेते हैं, शॉर्ट्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये देखो फैट लॉस वर्कआउट 11 मिलियन व्यू, ठीक है, अभी हम लोग शॉर्ट्स सर्च करेंगे, ठीक है, शॉर्ट्स, लेट्स गो शॉर्ट्स। तो अब देखो यहाँ शॉर्ट्स स्टार्ट हो गए हैं, और देखो ये 9 सेकंड का शॉर्ट है, ठीक है, और 3.5 मिलियन व्यूज गए हैं इसमें, और सिर्फ 5 महीने पुराना है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये 8 महीने पुराना है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यू, ये भी एक शॉर्ट है। अब ये देखो 10 महीने पुराना है और इसमें 15 मिलियन व्यूज है गाइज, यू नेवर नो कि ये कितना पैसा बना रहा है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या ये पैसा बना रहा है या नहीं। Grammarly can help you write. देखो इस पे ऐड भी आ रही है, क्यों? क्योंकि इसमें शॉर्ट फंड्स आ रहे हैं, जो शॉर्ट आपको दे रहा है ना 100 मिलियन जो लोगों में बांट रहा है, तो वो वही वाला फंड है वो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आई थिंक कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लग रहा है मुझे, लेट्स सी, ये अभी वीडियो खुल रही है। तो यहाँ पर गाइज ये बंदा जो है ये सिर्फ अपना शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, ये बस एक कॉन्टेंट मेकर है, एंड ही इज नॉट मेकिंग एनी मनी। सॉरी, मेरा जो यहाँ पर लॉग इन नहीं है, हो सकता है इसने डिस्क्रिप्शन में कुछ देओ के लिंक विंक रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ मेरा लॉग इन नहीं है इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा है। तो ये भी पैसा बना रहा है, और इसके जैसे बहुत लोग, जैसे कि ये जो हेल्थ फिट हिंदी ये जो चैनल है ना, ये पूरा एफिलेट का चैनल है, 9 सेकंड की वीडियो है, 4 मिलियन का व्यू है। अगर इन लोगों ने मान लो, अगर सिर्फ इन लोगों ने 100 लोगों से, 4 मिलियन का व्यू है, 100 लोग, तो बहुत ही चूतिया बात होगी कि इन लोग सिर्फ 100 लोग बाय किए होंगे,
हो सकता है इसमें से 1,000 लोग 2,000 लोग बाय किए होंगे, अगर मान लो सिर्फ 100 लोग ही बाय किए होंगे और इनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ $30 का है, तो मैं हमेशा कैलकुलेशन आपको करके दिखाता था कि आपको वैल्यू समझ में आए व्यूज की और पैसे की, राइट। तो सिर्फ 100 लोगों ने ही समझ लो बाय किया, एक वीडियो इन लोगों ने डाली है और 100 × 2100 रुपये कर लेता हूँ मैं $30, आप देख सकते हो सिर्फ एक वीडियो से 210,000 रुपये की इनकी कमाई हुई होगी। और ये मैं बता रहा हूँ ये 10x ज्यादा है, मतलब 20-25 लाख रुपए सिर्फ एक वीडियो से इन लोगों ने छापा है बिकॉज ऑफ व्यूज, राइट। और अब ये और नीचे देखोगे तो आप बड़े बड़े व्यूज, लंबे लंबे व्यूज, सॉरी मैं मतलब ज्यादा ज्यादा व्यूज गाइज, 8.6 मिलियन, 5.6 मिलियन, राइट। अभी आप देखो व्यूज, देखो बस देखो व्यूज, तो ये कितना पैसा कमा रहे हैं आप सोच के देखो, विजन अपना थोड़ा दिमाग दौड़ा के देखो, मैं क्या क्या बोल दे रहा हूँ दिमाग दौड़ा के देखो, क्योंकि मैं अमेज्ड हूँ ये व्यूज देखकर। व्हाई यू आर नॉट क्रिएटिंग, आपको क्रिएट करना है शॉर्ट, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अपने हाथ से जाने मत दो, राइट। तो अब देख सकते हो आपकी हेल्थ नीश की पावर क्या है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, हम लोग कॉन्टेंट ढूंढने आए थे। तो आप चाहो तो आप इस कॉन्टेंट को डाउनलोड करो, थोड़ा सा रिक्रिएट करो और इसके बाद अपलोड कर दो, सबसे पहला तरीका है, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी आप कंटेंट पिक कर सकते हो और मैं हाईली आपको पुश करूंगा कि आप इंस्टाग्राम से कंटेंट निकालो, और कुछ फ्री वीडियोस प्लेटफॉर्म्स होते हैं गूगल में लिख के सर्च करोगे तो वहां से कंटेंट निकालो, पिंट्रेस्ट पे जाओ वहां से कंटेंट निकालो, ठीक है। यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट है, उनको रिक्रिएट करो एंड शॉर्ट पे अपलोड करो। तो सबसे पहला तरीका हो गया कंटेंट फाइंड करने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं बताऊं, देखो बहुत सारे लोग ना इमेजेस के फॉर्म में भी कंटेंट डालते हैं, किस फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में। अब वो क्या करेंगे, इमेज पे, ठीक है, इमेज डाउनलोड कर लिए, canva.com आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ canva.com। सो गाइस ये जो है ये canva.com है, वर्ल्ड फेमस वेबसाइट, यहाँ पर आके आप वीडियोस को भी एडिट कर सकते हो और फोटोज को भी। आप यहाँ देख रहे हो वीडियो सेक्शन, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड स्टार्ट कर देना है वीडियो एडिट करना। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है अलग अलग तरह का फॉर्मेट मिल जाएगा, ये जो मोबाइल वीडियो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट आपको कहाँ यूज करना है, यही फॉर्मेट आपको यूज करना है अपने शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट्स पे आके अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो, जो मैं फोटो वाली वीडियोस बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ फोटो वाली वीडियोस कैसे काम करती है, ठीक है, जस्ट फॉर अ एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर देखो मैं हेल्थ लिख के सर्च करता हूँ, हेल्थ, देखो यहाँ हेल्थ का अलग अलग प्रोमोज आ जाएगा, राइट। मैं इसको लेता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, सॉरी ये पेड है, फ्री देखते हैं, हाँ चलो फ्री देखते हैं, लेट्स सी दिस वीडियो, ठीक है। तो ये देखो ये एक फ्री वीडियो मैंने पिक किया आप लोगों के लिए, आवर मोबाइल क्लिनिक इज गोइंग टू डी ड्राइव, राइट। तो मैं यहाँ उसको प्ले करता हूँ और देखता हूँ वीडियो क्या है। You can see कि एक सिंपल वीडियो, राइट, एक सिंपल वीडियो, एक इमेज फॉर्म में वीडियो। अब मान लो मैं यहाँ पर जाता हूँ इसके एलिमेंट के सेक्शन में और यहाँ पर सर्च करता हूँ हेल्थ, ठीक है। इसके एलिमेंट का सेक्शन में तो आपको अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे वहाँ पर, और हेल्थ का करने के बाद मैं ये एक दिल वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस पेज को ले लेता हूँ, ठीक, सॉरी इसको यहाँ पर लेना था, और इसको इस योगा वाले को ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक और प्लस करता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ठीक है, एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये योगा वाले को पहले कर लेते हैं, इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अब मान लो मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, एक हेल्थ का प्रोडक्ट है जो हमें योगा करना सिखा रहा है, ठीक है, एक टीचर का प्रोडक्ट है जो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं, योगा का प्रोडक्ट है, वो बता रहे हैं कि योगा कैसे करते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैं ये चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या दिखाया, योगा दिखाया, क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है। योगा करोगे तो आपका दिल जो है वो अच्छा रहेगा, चीज़ों से बचा रहेगा, देन उसके बाद आप हैप्पी रहोगे लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ना ऊपर कैप्शंस भी दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैप्शंस भी दे सकता हूँ। तो अभी जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, ये स्टोरी फॉर्मेट है, लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंगेज करते हैं, ठीक है। अगर आपको फैट लॉस जर्नी दिखानी है तो एक पतला लड़का आपने दिखा दिया पहले, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, आप डेट डाल दो ऊपर में, ठीक है। ऊपर में आप यहाँ पर कैप्शन डाल सकते हो, नीचे ऊपर, यहाँ जहाँ पर जहाँ चाहो, ठीक है, कैप्शन डाल सकते हो। तो
तो उससे क्या हो रहा है, उससे ना एक स्टोरी क्रिएट हो रही है. क्या क्रिएट हो रही है? स्टोरी. तो लोग स्टोरी से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और आपका प्रोडक्ट बिकता है. अब लास्ट में मैं एक ब्लैंक डाल देता हूं और यहां पर लिख दूंगा, इफ यू वॉन्ट टू डिक्रीज योर वेट सो प्लीज चेक द लिंक बिलो. राइट. तो ये जो है ना, ये मेरा एक स्टूडेंट था जिसने एक हेल्थ के प्रोडक्ट को प्रमोट किया था और उसने यही स्टोरी वाला तरीका प्रमोट किया था. एक्चुअली वो वीडियो में क्या दिखाना चाह रहा था, वो वीडियो में एक फैट लॉस ड्रिंक बनाना दिखाना चाह रहा था. ठीक है, उसने दिखाया ही था. ठीक है, तो अब उसने क्या किया, पहला एक जार का वीडियो डाला, फिर उसके बाद उसमें कुछ चीजें इंग्रीडियंट्स ला के डाला उसने. ठीक है, पूरा वहां पर अंदर डालने का दिखाया वीडियो, फिर उसके बाद उसको शेक करने का वीडियो दिखाया, एंड देन उसको कंप्लीट ड्रिंक का वीडियो दिखाया. ठीक है, तो लोग ना फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जब आप लिखते हो तो साइकोलॉजी काम करती है कि सेकंड स्टेप आएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा, फिर फिनिश होगा रेस. राइट, मतलब कि पूरी वीडियो फिनिश होगी. तो लोग ऐसे सोचने लगते हैं, तो सोचने लगते हैं तो वो आपके वीडियो पे इंगेज करने लगते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और जब वीडियो पे टाइम स्पेंड होता है तो वो वीडियो वायरल जाती है, और जब वो वायरल जाती है मतलब उसमें व्यूज आते हैं, और जब व्यूज आते हैं तब उसमें कमाल होता है और उसमें आता है पैसा. जितने व्यूज उतना पैसा. अभी मैंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, तो वो चैनल पे जाके जरूर देख लेना. आपको मैं लिंक भी कर दूंगा इधर ऊपर नीचे कहीं पर, और वो चैनल पे जाके जरूर देख लेना. व्यूज इक्वल्स टू मनी, जितने व्यूज उतना पैसा. तो यहां पर मैंने आपको क्या चीज समझाया कि इंगेजिंग वीडियो कैसे बनानी है. राइट, तो ऐसे करके आप इंगेजिंग वीडियो बना सकते हो. तो ये हो गया दूसरा तरीका. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरीके की. ओके, देखो अब तीसरा तरीका, देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी. मैं थोड़ा सा यहां पर आपको फिर से वापस ले जाऊंगा ये वाले सेक्शन में. देखो यहां पर जो भी आप लिखोगे, लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, या आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप स्लैश फोर. ठीक है, मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आई होप आप अच्छे से चीजों को समझ रहे होगे, बिकॉज मैंने बहुत टाइम दिया ये वीडियो बनाने में ताकि आपको चीजें समझ में आए. ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लैश टू. ठीक, अब फर्स्ट स्टेप स्लैश टू मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ फोर लिख देता हूँ मैं, फोर. तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद ना नेक्स्ट फोर स्टेप और है. क्या है नेक्स्ट फोर स्टेप और है? देखो एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉपी राइटर ने कहा है कि आपके हर फर्स्ट लाइन का ना उद्देश्य, एम क्या होना चाहिए, कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, वो सेकेंड लाइन पे जाए. मतलब कि अगर मैंने ये चीज लिखा है स्टेप वन स्लैश फोर, मतलब कि मेरे कस्टमर को समझ में आना चाहिए कि इस वीडियो में चार अलग अलग पार्ट्स हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैंने ये लिखा है तो वो सेकेंड पार्ट पे जाए. जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, राइट, यू कैन सी कि ये रिसेंट सम ग्रेट सक्सेस, मतलब इस लाइन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है. क्या उद्देश्य है? कि अपने प्रोस्पेक्ट को नेक्स्ट स्टेप पे ड्राइव करना. ठीक है, तो कॉपीराइटर ने, उस महान कॉपीराइटर ने कहा है कि कॉपीराइटिंग का सिर्फ इतना ही मतलब होता है, इतना ही विजन होता है, इतना ही एम होता है कि वो अपने बायर को सेकेंड नेक्स्ट स्टेप पे भेजे. तो अगर आप जब भी वीडियो क्रिएट करोगे तो उसमें कैप्शंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कैप्शंस या टैग दोनों बोल सकते हो. ठीक है, उसमें लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ऑडियंस आपके साथ इंगेज करे. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, कि आप लोगों के दिमाग से कैसे प्ले करते हो ताकि वो आपको इंगेजमेंट दे, व्यू दे, या जो भी आपका उद्देश्य है, पैसा दे. राइट, मार्केटिंग उसी को कहते हैं. अब देखो पॉलिटिक्स में मार्केटिंग यूज होती है वोट्स के लिए, जीतने के लिए. और जो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मार्केटर्स हैं, वो क्यों यूज करते हैं? पैसे अर्न करने के. राइट, अब आपका जो भी उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, वो उद्देश्य दिखना चाहिए. तो वो ये सारी चीजें सीखने से ही दिखता है. राइट, तो ये आप ध्यान में रखना. तो अब मैंने आपको दो तरीका बता दिया है, तो अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूं कि आप तीसरा तरीका कैसे कर सकते हैं. राइट, ये दो तरीके जो मैंने बताए, ये तीसरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक, अब देखो एक सीक्रेट आपके सामने रख रहा हूँ जो मैं अपने कोर्स में बताया हुआ हूँ. ठीक है, अभी आपको मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई हैं, ट्रस्ट मी, किसी भी वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगी जो चीजें मैं अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ. एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ मेरे कोर्स का. राइट, यूट्यूब शॉर्ट्स रीचेस का मेरा खुद का कोर्स है. राइट, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो अगर आपको सीखना है मुझसे पर्सनली, मुझसे मेंटरशिप लेनी है, एंड ऑल द थिंग्स. राइट, अभी हम लोग उसकी बात नहीं करते, अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं.
थर्ड जो तरीका है वो ये है कि देखो एक वीडियो चलेगी राइट, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीजों को कि कैसे चीजें काम करती हैं। एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैं मान लो मैंने कहीं से डाउनलोड कर ली राइट, आई वांट टू शो यू दिस, देखो दिस वन राइट, यू कैन सी ये वीडियो ना आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखेगी और ये वीडियोज के जो व्यूज है वो लाइक 1.9 मिलियन सॉरी मिलियन बोल रहा हूँ 1.9 करोड़ ठीक है 1.8 करोड़ 1.5 करोड़ और 2.7 करोड़ तक मैंने इसके व्यूज देखे हैं इस वीडियो में राइट। तो अब मैंने क्या किया, एक साइलेंट वीडियो है राइट, इसमें म्यूजिक भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ये तीसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट्स क्रिएट करने का। तो अब देखो सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा है फैक्ट ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या लिखा है वर्क स्मार्ट, और अब देखो एक और चीज आएगी ये, अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है अ यूएस मैन मेड $10,000 जस्ट डूइंग दिस स्मार्ट वर्क, और दिस स्मार्ट वर्क क्यों लिखा हूं, पीछे देखो क्या चल रहा है, एक स्मार्ट वर्क वो बंदा कर रहा है तो लोग रिलेट करेंगे ठीक है, वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये वीडियो वायरल हो रही है ठीक। और अब मैंने लास्ट में क्या लिखा है इफ यू वॉन्ट दिस सो प्लीज चेक द कमेंट, अब मैं कमेंट में क्या करूंगा अपना एफिलिएट लिंक लगा दूंगा ठीक। तो ऐसी वीडियोस गाइस आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसी वीडियोस भी काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तीन फॉर्मेट मैंने आपको बताया है और सीक्रेट ये है कि 0.9 से लेके 0.11 बोलो इस बीच की जो इस ड्यूरेशन की वीडियोस रहती हैं वो काफी अच्छा काम करती हैं शॉर्ट्स पे और काफी ज्यादा वायरल होती है इवन टिकटॉक पे भी क्योंकि वो भी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है राइट। तो ये एक सीक्रेट है जो इसको नोट करके लिख लो, आप यूज करके देखना, 10 बार यूज करोगे तो 8 बार यही चीज आपको दिखेगी, आप जीतोगे 8 बार राइट। तो ये तीन फॉर्मेट आपको बता दिए हमने शॉर्ट क्रिएट करने के, अब आपने शॉर्ट क्रिएट कर लिया, आपको डेली लगभग 4 से 5 शॉर्ट अपलोड करने हैं शुरू में राइट, डेली 4 से 5 शॉर्ट अपने शॉर्ट चैनल पे अपलोड करने हैं। एंड उसको अपलोड करने के बाद आपको मैंने पूरा प्रोसेस ऊपर बताया कि आपको एक प्रोडक्ट चुनना है, उसका फनल बनाना है, एंड ये जो है ना एक ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये मान लो आपका शॉर्ट है ठीक है। अब शॉर्ट्स में यहां पर 3 डॉट होते हैं जिस में अगर आप क्लिक करते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो, किसमें जाते हो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये जो डॉट है ना दोस्त वो दिखते ही नहीं है शॉर्ट में, मैं आपको भी शो कर देता हूँ दिखते ही नहीं है शॉर्ट में राइट। मैं म्यूजिक बंद कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, तो हम म्यूजिक सबसे पहले बंद कर देते हैं। मैं अपना ही शॉर्ट है, अपना शॉर्ट मेरा भी एक शॉर्ट चैनल है, आप वहां पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा फेस वाला राइट। और ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ विदाउट फेस राइट, विदाउट शोइंग योर फेस राइट, आपको फेस भी शो नहीं करना है। अभी जो मैंने आपको तीनों फॉर्मेट बताया ना, तीनों में फेस शो नहीं करना है आपको, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अमेजिंग बात यह है। आप अपने फेस वाले चैनल्स भी बना सकते हो, जैसे कि मैं एक अपना फेस वाला चैनल अभी बनाया हूँ ताकि मुझे और भी ज़्यादा फायदा हो, आने वाले समय में मेरा और अच्छा ब्रांड बने, और आप समझ सकते हो कितने बेनिफिट है। मैंने लास्ट दो एक वीडियो पहले बताया था कि आप 5 तरीकों से शॉर्ट्स अर्निंग कर सकते हो, एक नहीं 5 तरीकों से, और मैं कोर्स में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, तो आई होप आप मेरे कोर्स में होगे क्योंकि शॉर्ट्स का दिन नहीं जमाना आएगा, ट्रस्ट मी जमाना आएगा, और जैसे टिकटॉक चलता था ना वैसे शॉर्ट उससे ऊपर जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट की हुई है राइट, आपको दिख रहा है सबसे जो टॉप में है यहाँ पर ये जो है ना ये डिस्क्रिप्शन का है ठीक है, लेकिन ये दिखता नहीं है ज्यादा, फिर उसके बाद लाइक है, फिर उसके बाद डिसलाइक है। अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई आपको आज, ये सारी चीजें सिखाई, ये सारी चीजें 101% वर्क करती है ठीक। अब ये जब आपने शॉर्ट क्रिएट कर दिया तो आपको सिर्फ डेली बेसिस पे 4 से 5 शॉर्ट क्रिएट करना है, डेली का डेली ये काम आपको करना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको कब प्रोडक्ट बदलना है, कब आपके प्रोडक्ट को अपग्रेडेशन की जरूरत है, आपको फनल गेम बढ़ाना है, चीजों को समझना है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं गाइस, अलग अलग चीजें एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो ये एक सर है जो रिटायर हो चुके थे राइट, और इन्होंने बहुत ट्राई किया ऑनलाइन से अर्निंग करने का, एफिलिएट मार्केटिंग करने का, लेकिन अभी तक इनको कोई भी सेल नहीं आई। इन्होंने 2 दिन सिर्फ ज्वाइन किया अपना कोर्स और इन्होंने सेल लाया $37 का राइट। यहाँ पर देखो आई गॉट माय फर्स्ट सेल इन जस्ट 5 डेज, लव यू सर, सर मन कर रहा है आपको किस कर लूं, और 7 महीने से ये बंदा ट्राई कर रहा था बट नहीं हो पाया, लेकिन इसने मेरा कोर्स ज्वाइन किया एंड ही गॉट
हिज फर्स्ट सेल, राइट। इसके बाद और भी लोग हैं जिनकी अलग अलग कहानियां हैं, दिल को छूने वाली कहानियां हैं, इनके लिए एक लाइक कर दो, राइट। और बहुत अलग अलग रिजल्ट्स इन लोगों ने जनरेट किया, राइट। किसी एक ने तो मेरी अपने डीपी में मेरी फोटो लगा दी थी, राइट। मैं दिखाना चाहता हूँ, उनका भी काफ़ी अच्छा था ये, इन्होंने तो, इनको मैंने बहुत अच्छा थैंक बोला, इन्होंने खुद अपनी डीपी में मेरी फोटो लगाई। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच अगेन। तो यहाँ पर इनकी स्टोरी आप आगे पढ़ सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है जो 1,00,000 रुपये पर मंथ कमा पा रहा है, ये करीब 3 महीने से मुझसे जुड़ा हुआ है, 3 महीने पहले मतलब जुड़ा हुआ है, शॉर्ट्स में नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स के कोर्स से नहीं बोल रहा हूँ, और पहले जो मेरे कोर्सेस रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और इसने 1,00,000 रुपये अर्न करना स्टार्ट कर दिया। ये भी आपको सारी चीज़ें अगर डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना तो आप आगे इस पेज पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, अभी शॉर्ट्स को लॉन्च किए, इस कोर्स को जो मैंने लॉन्च किया है 2 हफ्ता, थोड़ा सा 2 हफ्ता से ज़्यादा हुआ होगा, 2 हफ्ता ऑलमोस्ट मान के चलो, और इतनी स्टोरीज क्रिएट होने लगी, 2 हफ्ता थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इतनी स्टोरीज क्रिएट होने लगी हैं, तो अब आपकी बारी है। अगर आपको शॉर्ट्स के बारे में सीखना है, डीपली नॉलेज लेना है, और मैंने आपको बताया कि शॉर्ट किस लेवल पर काम करने वाला है, राइट, 100 मिलियन फंड्स दिया है, एड्स लगा रहा है, खुद प्रमोट कर रहा है, खुद प्रमोट कर रहा है गाइज, 100 मिलियन फंड दे चुका है, ऑल द थिंग्स हैपनिंग ऑन शॉर्ट्स, राइट। तो शॉर्ट्स का जमाना आएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी, इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। और अगर सीखना है कि शॉर्ट्स पे कैसे पैसे कमाने, जैसे मेरे स्टूडेंट कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कमा सकते, यू कैन ऑल्सो डू दिस। एक ऑफर चल रहा है जो सिर्फ 1,000 लोगों के लिए है, एक अच्छा स्पेशल ऑफर जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आई नो, जिस हिसाब से ज्वाइनिंग हो रही है इस समय, राइट। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपको, इफ आई कैन शो यू, तो मैं आपको दिखाऊं कि 7 सेल आ चुकी है, राइट, बैठे बैठे 7 सेल आ चुकी है, और सिर्फ 1,000 लोगों के लिए ऑफर है। मैं थोड़ा सा हाइड करके दिखाना चाहूँगा, आई डोंट वांट टू शो एवरीथिंग, राइट। यू कैन सी द डेट, ये मेरा जीमेल है, ठीक है, ये मेरा जीमेल है, राइट, यू कैन सी, ठीक है। 7 सेल आप देख सकते हो, टाइम हो रहा है 12:00 समथिंग, राइट, यू कैन सी। और यहाँ पर टाइम देखो, अभी 7 सेल ये आज की है, ठीक है, ये लास्ट सेल आई है 12:58। तो ये अभी देखो आप किस स्पीड में सेल आ रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तभी ये स्टोरीज क्रिएट हो रही है, राइट। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो ना, सो दिस इज फॉर यू, सिर्फ 1,000 लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। क्लिक करो लिंक पे, जल्दी जाओ, पूरा चेक करो और तुरंत एनरोल करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट 1-to-1 बातें कर सकते हो, राइट। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेक द बिलो लिंक एंड गो एनरोल फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स रिचेस। आपकी लाइफ को सच में चेंज मिलेगा अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स रिचेस ज्वाइन करोगे तो, नॉलेज में भी, मनी में भी, और ग्रोथ तो होगी होगी, राइट। यूट्यूब शॉर्ट्स से कमाने के 5 से 6 तरीके हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बोल रहा हूँ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यूट्यूब शॉर्ट्स का भी आगाज है, आपको मतलब आप थोड़ा सा समझ के देखो, सोच के देखो कि YouTube किस लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका विजन क्या होगा, राइट। लोग यहाँ पर स्टार्ट करती हैं काम करना, मैं करना स्टार्ट कर दिया हूं, आप लेट मत करो, सिर्फ 1,000 लोगों के लिए दोस्तों, सिर्फ 1,000 लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और आप देख सकते हो कि मैं नॉलेज कैसे शेयर करता हूँ। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा, बताने का स्टाइल अच्छा लगा होगा, एंड मैं और नॉलेज आपको दूंगा, सटीक नॉलेज दूंगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, एक्शन लोगे, तो 101% आपको सक्सेस मिलेगी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जस्ट गो क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स रीचेस। और ये पूरी स्टोरीज जरूर पढ़ना, काफी अच्छी स्टोरीज है, लैंडिंग पेज पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आके जरूर पढ़ना, लो चाहे मत लो, लेकिन ये स्टोरीज जरूर पढ़ना, और लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, हिट कर दो यार बेल का आइकन, सब्सक्राइब बटन, और ऐसे ही बने रहो इस चैनल पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।